राजधानी पटना से सटे दानापुर से मर्डर की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि यहां डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। बदमाशों ने मां बेटी के हाथ पैर बांधकर चाकू से गोद कर उसकी निशंस हत्या कर दी है। घटना के बाद से यहां दहशत का माहौल कायम है। खबर मिल रही है कि राजधानी से सटे दानापुर के अखाड़ा रोड स्थित गवताल इलाके में करीब 45 वर्षीय सीमा देवी और उसकी 22 वर्षीय बेटी त्रियोत्सना की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने घटना को अंजाम देने से पहले दोनों के हाथ पैर बांध दिए थे। घटना की सूचना लोगों को तब हुई जब महिला का बेटा शनिवार की सुबह रांची से दानापुर अपने घर पहुंचा था। खबर है कि परिजनों से दो दिनों से बात नहीं हो पा रही थी। अनहोनी की आशंका के मद्देनजर वह शनिवार की सुबह दानापुर पहुंचा था। उसके बाद घर के अलग अलग कमरों में माँ और बहन का खून से लथपथ सब पड़ा देखा। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे, साथ ही चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई थी। घटना की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर सब को कब्जे में ले लिया और जांच में जुट गई है। घटना के संबंध में पुलिस का बताना है कि जांच के बाद ही कारणों का स्पष्ट रूप से खुलासा हो सकेगा। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सीमा देवी की पति व त्रियोत्सना के पिता रामधारी सिंह परिवार के साथ नहीं रहते थे। उनका परिजनों के साथ संबंध ठीक नहीं था और घटना के बाद से वह लापता भी बताए जा रहे हैं। पुलिस विभिन्न दृष्टिकोण से इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी।